कमल का जादू या पहाड़ पर जादू, इसके बारे में बात करेंगे। और इससे जुड़ी हुई आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बताते हैं कांगड़ा जिले से। आज कांगड़ा दौरे पर जेपी नड्डा रहेंगे। दो दिनों का जेपी नड्डा का ये दौरा है। आज नगरोट बगवा में भी नड्डा का रोड शो और इसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। पॉइंटर्स के जरिए भी आपको जानकारी आगे देंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आप नजर डालिए कि जेपी नड्डा का आज रोड शो नगरोटा बगवा में और नड्डा के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। तस्वीरें आप देखिए, कल की तस्वीरें जब सीएम जयराम ठाकुर खुद ग्राउंड पर पहुंचे थे और उनकी तरफ से जायजा लिया गया। ये शिमला की तस्वीरें जब रोड शो हुआ था, इसी तरह की तस्वीरें आज भी देखने को मिलेगी। नड्डा के दौरे को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन है। करीब 11:30 बजे जेपी नड्डा आज कांगड़ा पहुंचेंगे और पहले दिन नगरोटा बगवा में जेपी नड्डा का ये रोड शो होगा। रोड शो के बाद जनसभा को भी वो संबोधित करने वाले हैं। साथ ही शाम 6:30 बजे माता चामुंडा के भी दर्शन वो करेंगे। आज शांता कुमार से भी मुलाकात करेंगे, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। शनिवार को जेपी नड्डा बैठक करने वाले, आगामी चुनाव को लेकर मंथन उनका ये होगा। और फिर हिमाचल प्रदेश के दौरे पर जेपी नड्डा जा रहे। इससे पहले की तस्वीरें आप देखिए, ये जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त तस्वीरें हैं, ये शिमला रोड शो की तस्वीरें जब जेपी नड्डा शिमला पहुंचे थे। और अब जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये सीएम जयराम ठाकुर के कल के दौरे की, जब सीएम जयराम ठाकुर धर्मशाला पहुंचे थे। यहां पर उनकी तरफ से तैयारियों का जायजा लिया गया कि कैसी तैयारियां हैं, ग्राउंड पर क्या तस्वीरें हैं, वो खुद चेक करने के लिए पहुंचे। उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप भी मौजूद थे। और आज भी जिस तरह से तस्वीरें शिमला रोड शो में देखने को मिली थी, कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलेगी। फिर से जेपी नड्डा कांगड़ा दौरे पर आ रहे हैं और ऐसे में वो कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले शिमला नगर निगम चुनाव है। और इसीलिए उनकी इससे पहले जो रोड शो था, रैली थी, वो शिमला में थी। और आज की बात की जाए तो कांगड़ा जिले में उनका ये रोड शो बेहद महत्वपूर्ण, शक्ति प्रदर्शन उनकी तरफ से किया जाएगा। सौरभ अटवाल हमारे संवाददाता इस खबर पर विस्तार से जानकारी देंगे। सौरभ, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और इसके अलावा आज क्या कार्यक्रम रहने वाला है, खास क्या तैयारियां की गई है? बीजेपी के रास्ते अध्यक्ष जेपी नड्डा है, वो नगरोटा पहुंचने वाले हैं और इसको लेकर उनकी सुरक्षा को देखते हुए जो है नगरोटा बगवा के साथ लगते जो क्षेत्र है उनको जो है पुलिस द्वारा जो है नौ क्षेत्रों में जो है विभाजित किया गया है। और जो जो ट्रैफिक प्लान है उसको भी कहीं ना कहीं पुलिस द्वारा जो है वो बदला गया है। तो अब जो गाड़ियां जो है पालन से आने वाली है उसको अब नगरोटा के बड़ों से होते हुए जो कांगड़ा जाना पड़ेगा। ठीक है, ट्रैफिक को लेकर क्या व्यवस्था की गई है, क्या रूट प्लान रहने वाला है? जी नहीं, जैसे अब गाड़ियां जो है वो तो आपातकालीन जिस तरह से जो एम्बुलेंस या पार्टी वगैरह की गाड़ियां होगी वो तो अब सीधा इस रोड से आ पाएंगे, लेकिन जिस तरह से जो बसें वगैरह जाएगी उनको अब जो बाईपास से होकर जाना पड़ेगा, उन पर जो प्रतिबंध रहेगा जिस तक जेपी नड्डा जो है यहाँ पर नगरोटा बसता है। इसके अलावा सुरक्षा की अगर बात की जाए तो सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल महिमा, सुरक्षा के लिहाज से जो जिला कांगड़ा के एसपी हैं उन्होंने अतिरिक्त पुलिस बल जो है यहाँ पे तैनात किया और पुलिस बल के साथ साथ जो है होमगार्ड के जवान भी जो है उनकी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किए हैं। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता अंकुश डुभाल भी मौजूद है। अंकुश, क्योंकि आज जेपी नड्डा कांगड़ा दौरे पर रहने वाले, तकरीबन समय कहा गया है कि 11:30 बजे के करीब वो यहाँ पर पहुंचेंगे, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद है और क्या तस्वीर देख पा रहे हैं वहाँ पर? हिमाचल दौरा ये है और ये दौरा अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, और इस समय मैं जगत प्रकाश नड्डा के दिल्ली आवास के बाहर ही मौजूद हूँ। जगत प्रकाश नड्डा के दिल्ली आवास के बाहर ही मौजूद हूँ। आप एक बार ये तस्वीरें देखेंगे, ये तस्वीरें हैं जगत प्रकाश नड्डा के घर की, और ये जगत प्रकाश नड्डा का घर है 7B मोतीलाल मार्ग, जहां पर उनका सरकारी आवास है। वहां से आप देखेंगे कि तैयारियां आपको दिल्ली पुलिस की यहां पर पायलट गाड़ी नजर आएगी, जो यहां से उन्हें एस्कॉर्ट करके सीधा एयरपोर्ट ले जाएगी, और कुछ ही देर में जगत प्रकाश नड्डा यहाँ से रवाना होंगे कांगड़ा के लिए। कांगड़ा का ये जो दौरा जगत प्रकाश नड्डा का है, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। किस तरह से ही शिमला में हमने देखा कि कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम जगत प्रकाश नड्डा ने किया, और अब
क्योंकि ये माना जाता है कि हिमाचल प्रदेश की सत्ता का रास्ता कांगड़ा से होकर गुजरता है। ऐसे में जब जगत प्रकाश नड्डा नगरोटा बगवा एक व्यक्तिगत कार्यक्रम के लिए आ रहे थे तो पार्टी ने ये डिसाइड किया कि उनके कार्यक्रम के साथ जो उनका निजी वक्त है उसे पार्टी के लिए भी इस्तेमाल किया जाए और रोड शो के जरिए कार्यकर्ताओं में जान भरने का काम किया जाए। करीब 11:30 बजे ये रोड शो शुरू हो जाएगा, गग्गल एयरपोर्ट से ही रोड शो शुरू हो जाएगा और नगरोटा बगवा तक ये रोड शो चलेगा और इसके बाद एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कि करीब 30,000 कार्यकर्ताओं को जुटाने का प्रयास बीजेपी की ओर से किया जा रहा है और जो तमाम विधायक हैं, मंत्री हैं, उन्हें भीड़ लाने के निर्देश दिए गए हैं। जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश चुनाव दिए गए और इससे जुड़ी हुई, क्योंकि अपने तमाम दर्शकों को एक और बड़ी खबर बताना जरूरी है, आपके पास लौटेंगे और जानकारी आपको दे दें कि जेपी नड्डा का 2 दिवसीय दौरा है, कांगड़ा दौरे पर आज वो रहेंगे। हमारे संवाददाता इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है जेपी नड्डा के दौरे से जुड़ी हुई। जेपी नड्डा की चुनावी जनसभा में बीजेपी का कौन विधायक और पूर्व विधायक लोगों की कितनी भीड़ लाता है, इसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। विधायक और पूर्व विधायक जिन गाड़ियों में अपने समर्थकों को लाएंगे उस गाड़ी पर बीजेपी ने QR कोड लगाया है। जनसभा स्थल में एंट्री के समय बीजेपी की टीम इस कोड को स्कैन करेगी। बताया जा रहा है कि भीड़ का रिकॉर्ड विधानसभा चुनाव में टिकट आवंटन का भी आधार बनेगा, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है। जनसभा में भीड़ जुटाने के लिए बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने पहली बार ये नया फॉर्मूला निकाला है। बीजेपी ने इस जनसभा में भीड़ जुटाने के लिए पार्टी के संगठनात्मक जिला पालमपुर और कांगड़ा के 8 विधानसभा क्षेत्रों के अपने विधायकों पूर्व विधायकों को यह जिम्मा सौंपा है और इन्हें गांधी मैदान में 25,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ लाने के लिए कहा गया। हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है। एक बार आपको फिर से ले चलते हैं राजधानी दिल्ली, क्योंकि वहां से हमारे साथ अंकुश दुबे लगातार बने हुए हैं। अंकुश, QR कोड इस बार लगाया जाएगा और उसके जरिए देखा जाएगा कि कौन सा विधायक कितनी भीड़ लेकर आएगा। बिल्कुल, देखिए महिमा, बीजेपी को हाईटेक पार्टी माना जाता है और समय समय पर भाजपा की ओर से ऐसे जो तमाम जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो किए जाते रहे हैं और इस QR कोड के जरिए ये कोशिश की जाएगी कि ये अंदाजा लगाया जा सके कि आखिर किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कितनी भीड़ आई थी। भीड़ जुटाना ये कोई नया मुद्दा नहीं है, हमेशा से ही विधायकों और मंत्रियों को ये कहा जाता है कि भारी संख्या में अपने साथ समर्थकों को लेकर आए। नेता भी ये कोशिश करते हैं कि उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समर्थक रैली में जाए ताकि बड़े नेताओं तक ये आला नेताओं तक ये संदेश जाए कि उनका जनाधार अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में। लेकिन बीजेपी की एक नई नीति है कि किस तरह से कौन नेता कितनी भीड़ लेकर अपने साथ आ रहा है, इसका ध्यान रखने के लिए, इसका जो मूल्य है, गणित है, वो रखने के लिए QR कोड लगाया जाए और QR कोड में एक गाड़ी में कितने लोगों की संख्या है, इन तमाम बातों का ध्यान रखा जाए। ये बीजेपी की ओर से एक बड़ी कोशिश की जा रही है। लेकिन साथ ही साथ चुनावी साल में एक बड़ी कोशिश ये भी है कि सत्ता में काबिज होने की जो दावा बीजेपी कर रही है, मिशन रिपीट का जो दावा कर रही है, उसे जगत प्रकाश नड्डा के जरिए साधा जाए, क्योंकि जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा बीजेपी की ओर से किया जाता है और ऐसे में हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि हिमाचल का एक लाल, हिमाचल का एक बेटा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष होने के साथ साथ एक बड़ी जिम्मेदारी जगत प्रकाश नड्डा के कंधों पर आ जाती है कि अपने स्टेट में, अपने राज्य में किस तरह से जीत दिलाई जाए। अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी जगत प्रकाश नड्डा के कंधों पर है। यही वजह है कि जगत प्रकाश नड्डा भी पूरी तरीके से जान फूंकते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात शुरू होती है और उसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के प्रयासों से बात को खत्म किया जाता है, यानी कि लोगों तक ये संदेश पहुंचाने का प्रयास किया जाता है कि बीजेपी डबल इंजन की सरकार के साथ काम कर रही है और कि और अगर जो आम लोग हैं, जो जनता है, वो 2022 में एक बार फिर बीजेपी को अगर सत्ता पर काबिज करती है तो इसका फायदा जो है वो हिमाचल प्रदेश को मिलेगा। ये संदेश लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। केंद्र सरकार की जो तमाम योजना है उन्हें लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। रोड शो के जरिए आज फिर एक बार ये कोशिश की जा रही है कि कांगड़ा के जरिए पूरे हवा में, जो प्रदेश में हवा जाए और लोगों तक ये संदेश जाए कि बीजेपी एक बार फिर सत्ता में आ रही है। लौटेंगे आपके पास, क्योंकि इस वक्त ग्राउंड से हमारे संवाददाता कांगड़ा जिले से सौरभ अटवाल भी जुड़े हुए हैं। सौरभ, आज की अगर बात की जाए तो रोड शो होने वाला है, जनसभा को संबोधित करेंगे, इसके अलावा क्या शांता कुमार से भी जेपी नड्डा मिलेंगे और सुनने में ये भी आ रहा है कि चामुंडा मंदिर भी वो जाएंगे? अपना जो संबोधन जो रहेगा, अपना जगत प्रकाश नड्डा का रोड शो के बाद जो जनता से संबोधन करेंगे तो उसमें शांता कुमार और मुख्यमंत्री अपना जयराम ठाकुर सहित अन्य जो विधायक है और नेता है जगत प्रकाश नड्डा के साथ मौजूद है। जी शुक्रिया सौरभ अटवाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अंकुश डुभाल, फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। तो आपको बता दें कि जेपी नड्डा का ये रोड शो बेहद महत्वपूर्ण, आज वो पहुंचेंगे कांगड़ा और यहां पर जनसभा करेंगे।